कल आपको न्यूज दिखाई थी, अब पूरा मुंगरा कौसा के जो हालात थे ये कोरोना वायरस को लेके मैंने दिखाया था, और टोटल जो है जो पेशेंट थे वो 35 हुए थे। लेकिन आज एक दुख की खबर और है कि एमएम ओली जो है, जो नादुर फला मदरसा है उसके आसपास में जो है एक पेशेंट और जो है पॉजिटिव मिला। उनकी वाइफ डॉक्टर है और उनके हस्बैंड को वो हुआ है और उनको जो है एम्बुलेंस में लेके गया है। डॉक्टर की टीम जो है आई तकरीबन एक 4 घंटे के बाद में। हम पत्रकारों ने काफी मेहनत किया उसके ऊपर और फोन पे फोन जो है, मैसेज पे मैसेज, बहरहाल क्योंकि डॉक्टर की भी टीम जो है हर जगह अपने अपने शेड्यूल में बिजी है और वो भी जो है एक लिमिटेड है डॉक्टर की टीम, क्योंकि वो भी इतना बड़ा एरिया कवर करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है कहीं ना कहीं, और हर दिक्कतें आ रही है। लेकिन फिर भी इस मुसीबत की घड़ी में जो है ये डॉक्टर जो मेहनत कर रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा इसके अंदर बलिदान है और बहुत बड़ा एक भूमिका है जो मुमरा कौसा में एक डॉक्टर एक टीम जो काम कर रही है। बहरहाल उनको एम्बुलेंस में लेके गए हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से उनको लेके गए हैं, वो भी एक नजारा दिखाता हूँ। दूसरी चीज है कि एक जो है दुख की खबर जो है और है, जो कि मुमरा पुलिस स्टेशन से जो जुड़ा हुआ है, वहां पर दो जो ऑफिसर्स हैं, दो अधिकारी जो है वहां कर्मचारी, उनको और जो है दो जन को पॉजिटिव जो है मिला है। एक ये दुख की खबर है, और वहीं पर मुमरा पुलिस स्टेशन का एक अच्छी खबर ये है कि जो हमारे शिव सागर साहब थे वो रिकवर होके जो है अभी हॉस्पिटल से फिलहाल घर पे आ गए हैं और उनकी तबीयत बहुत अच्छी है। चलो ये शिव सागर साहब ने क्या मैसेज दिया है लोगों को, जब डॉक्टर घर पे आए हैं तो क्या मैसेज वो आवाम को दी है और किस तरीके से सावधानी बरतने के लिए क्या है। शिव सागर जी, अभी अभी आपका डिस्चार्ज हुआ है, आप और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मेरा मैसेज ये है कि पुलिस हो या पब्लिक हो, सब में ये डर है कि कोरोना हो गया यानी सब खत्म हो गया है। तो मेरा ये कहना है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये कहना है और पब्लिक से भी ये कहना है कि कोरोना ठीक हो सकता है, प्रॉपर मेडिसिन लेने के बाद ये ठीक हो सकता है, आप अपने घर पे जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। तो डरने की बात नहीं, सिर्फ आपको सावधानी बरतनी है कि अपने साथ ये ना हो, इतनी सावधानी बरतने कोरोना ठीक हो सकता है। सर, ये क्योर होने के बाद अभी आप कैसा फील कर रहे हैं, पहले जैसा फील कर रहे हैं, मतलब या मतलब और ज़्यादा जोश से अब आप जो है कि पब्लिक की सेवा में उतरेंगे? ये तो कोई भी आदमी अगर कोई भी बीमारी से बाहर आता है तो और ज़्यादा जोश से आता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ तो आगे मैं काम कर सकता हूँ, और जोश से आया हूँ कि आगे भी काम करूँगा। सब लोगों को विनती है कि हम लोग पुलिस आपके लिए रास्ते पे है, लेकिन आप हमारे लिए घर में रहिए। मेरा यही कहना है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रहेंगे और इसको बढ़ने से रोकिए। होराइजन प्राइम हॉस्पिटलमध्ये माझा ट्रीटमेंट झालेली आहे, मला वाटतं की इतकं चांगलं हॉस्पिटल घोडबंदर रोडला असल्यामुळे त्या ट्रीटमेंटचा सर्वांनी हॉस्पिटलचा फायदा घ्यावा। मला खूप अच्छा चांगली ट्रीटमेंट मिळालेली आहे, चांगलं वातावरण आहे, डॉक्टर्स आणि स्टाफ खूप कोऑपरेटिव आहे, चांगल्या प्रकारे ट्रीटमेंट देतात। थँक्यू। मैं दुआ करूंगा कि वो अच्छे होके फिलहाल वापस अपनी ड्यूटी पे आ जाए और जैसा चल रहे थे वैसे ही चले। अल्लाह उनकी सेहत को, उनकी तंदुरुस्ती को बरकरार रखे, और हमारी दुआ सबके सबके लिए है, जो भी एक आम आदमी है उनके लिए भी हमारी दुआ है, हमारी न्यूज चैनल की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से है कि सबको अल्लाह तंदुरुस्ती और सेहत दे और अच्छे रहे, ये बीमारी से दूर रहे। तो इसीलिए मैं बार बार हर न्यूज में बताऊं कि आप अपने घर से मत निकलिए, आप अपने घरों में रहिए, अपने बच्चों के साथ रहिए। हम इस वक्त जो है बहुत मुश्किल घड़ी में हमारी जो है एक हम गुजर रहे हैं, इस मुश्किल घड़ी को हम आसान कर सकते हैं अपने घरों में रह के। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए।